जय श्री कृष्णा। ये देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट, जो कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट होते हैं ठीक है उनका सेंटर ऑफ मास, मतलब जैसे अलग अलग कहीं भी ये मास रखा है, ये मास रखा है, ये मास रखा है, ऐसे नहीं, ये कोई कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट। जैसे रिंग है, रिंग में किनारे किनारे देखो तो हर जगह मास होता है, डिस्क में भी हर जगह होगा, हॉलो स्फीयर में देखो किनारे किनारे सब जगह होगा, सॉलिड स्फीयर में पूरा अंदर बाहर सब जगह मास ही मास होगा। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूस होते हैं, जिनमें ऐसा नहीं कि मास कुछ खास जगह पे रखा रहता है, हर जगह मास होता है। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक कोई बॉडी है जो कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकती है, ये जो कोई ईंट भी हो सकती है, घड़ी भी हो सकती है, सामने चप्पल जो आपने पहन रखा है वो भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं, आप भी तो कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट हैं, हर जगह आपके मास मिलेगा, काट के देखा जाए, बोटी बोटी करके काटा जाए तो देखो हर जगह मास निकलेगा आपके, ठीक है। तो कहने का मतलब कॉन्टिन्यूस का मतलब हर जगह मास होता है, ये मेरे समझाने का मतलब है। सपोज कर लिया ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, तो अब क्या है कि ये एक छोटा सा मास है डीएम, ठीक है, छोटा सा मास डीएम है, और अगर हम इस डीएम का एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट ये वाली दूरी हो जाएगी, वाई कोऑर्डिनेट ये वाली दूरी हो जाएगी। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट डिफाइन किया जाता है, वो डिफाइन किया जाता है इंटीग्रल एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रल डीएम। इंटीग्रेशन का जो रियल मतलब होता है, जैसे जो बच्चे मैथ्स ग्रुप के बच्चे हैं वो जब इंटीग्रेशन मैथ्स में डिटेल में पढ़ेंगे, ट्वेल्थ क्लास में जिन्होंने पढ़ा होगा, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। जैसे हम कहते हैं ना यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो इंडिया को जोड़ने वाला काम, इंटीग्रेट करने का काम। तो पहले डेफिनेशन क्या होती थी, m1x1+m2x2+m3x3, तो ये भी वही चीज है, ये डीएम एक्स है, फिर डीएम डैश एक्स डैश हो जाएगा, फिर डीएम डबल डैश एक्स डबल डैश, ऐसे करके छोटा सा टुकड़ा यहाँ फिर यहाँ फिर उस फिर यहाँ फिर यहाँ, सब जगह टुकड़े लेकर के सबको जोड़ देना, मतलब वो m1x1+m2x2+m3x3 जो लिखा था वो यही चीज है, इंटीग्रेशन में हम जोड़ देते हैं अपॉन इंटीग्रल डीएम। तो अब इसमें इस तरह के सवाल, इस तरह के जब कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उस टुकड़े का मास निकाल लेंगे, फिर उस टुकड़े का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद पूरे के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये एक्स सीएम हो जाएगा, इसी तरह से वाई सीएम जो आएगा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ वाई डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम। इस तरह से जेड सीएम खुद से लिख लेना, जेड सीएम आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ जेड सीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम। तो किसी भी कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालने का ये तरीका होता है। इस तरह से हम लोग कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रल एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रल डीएम, वाई सीएम जो होगा वो इंटीग्रल वाई डीएम अपॉन इंटीग्रल डीएम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो बात है सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट्स अगर हमें निकालना है तो इस तरह से हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। अब दूसरा इसके अंदर ये आ रहा है कि यहां पर कुछ टर्म्स मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूं, कुछ छोटे छोटे टर्म्स हमें डिफाइन करने जा रहा हूं जिनकी मदद से हम लोग कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। पहला यहां पर आता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, इसको हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। इसी का एक और मास होता है लीनियर नाम होता है लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, इसी को हम लोग लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं, मतलब एक मीटर का मास जो है उसे हम लैम्डा से दिखाते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये रॉड है, एक रॉड का मास m है, रॉड की लंबाई l है, तो इसका लैम्डा जो आएगा वो m बाई l, मतलब एक मीटर का मास, l मीटर का मास m था तो एक मीटर का मास m बाई l हो जाएगा, और एक मीटर का मास जो है उसी को हम m बाई l कहते हैं। लैम्डा जो है इसका स्केलर क्वांटिटी, देखिए ये भाई मास और लंबाई दोनों स्केलर है, तो लैम्डा का जो यूनिट होता है वो यूनिट है किलोग्राम पर मीटर, यूनिट इसका किलोग्राम पर मीटर होगा। इसको लीनियर मास डेंसिटी या मास पर यूनिट लेंथ से दिखाते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं। स्ट्रिंग वेव जब पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पर इसी चीज को म्यू से भी दिखाते हैं, दिखाने से कोई मतलब नहीं, किसी भी चीज से दिखाओ मतलब क्लियर होना चाहिए। तो एक यहां पर मास पर यूनिट लेंथ आता है, दूसरा यहां पर आता है मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया सिग्मा से दिखाते हैं इसको, और इसका एक और नाम है सरफेस मास डेंसिटी। तो मास पर यूनिट एरिया, जैसे जैसा कि नाम से एकदम क्लियर है कि मतलब एक मीटर स्क्वायर का जो मास है उसे हम लोग मास पर यूनिट एरिया कहते हैं। आप कुछ ऐसे समझें कि सपोज करें कि कोई एक बॉडी है, इसका मास एम है, एरिया ए है, तो इसका जो मास पर यूनिट एरिया आएगा सिग्मा वो एम बाई ए हो जाएगा। यूनिफॉर्म बॉडी है
और इसका मास एम है, एरिया ए है, तो इसका जो यूनिट एरिया का मास होगा वो एम बाई ए हो जाएगा, मतलब एक मीटर स्क्वायर का मास। ऐसे समझें कि ए का ए एरिया का मास एम था, तो यूनिट एरिया का क्या हो जाएगा, एम बाई ए हो जाएगा, उसी को हम लोग सिग्मा कहते हैं। और इसका जो यूनिट होगा वो क्या आएगा, सबको पता है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसे हम लोग मास पर यूनिट एरिया या सरफेस मास डेंसिटी भी कहते हैं। तीसरा इसके अंदर आता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे जिन बॉडीज में सिर्फ लंबाई होगी उसके लिए ये यूजफुल रहता है, जिनमें सरफेस एरिया होता है, सिर्फ सरफेस एरिया होता है वॉल्यूम नहीं होता, उनके लिए ये ज्यादा यूजफुल होता है। जिन बॉडीज के अंदर वॉल्यूम भी होता है, अंदर बाहर सब जगह मास होता है, उसके हम लोग लिखते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। रो से दिखाते हैं इसको, और इसी को हम लोग डेंसिटी भी कहते हैं। डेंसिटी जो था वो बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम ही तो था, या इसी को वॉल्यूम मास डेंसिटी भी कहते हैं, कई सारे नाम होते हैं। हम लोग मास पर यूनिट वॉल्यूम रो से दिखाएंगे। और जैसे किसी बॉडी का वॉल्यूम, जैसे ये बॉडी मान लेते हैं, इस बॉडी का मास एम है और वॉल्यूम भी है, तो इसका जो रे आएगा यानी डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता ही, जानते ही हम लोग, तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होगा। और इसका यूनिट जो आएगा किलोग्राम, स्केलर सब है पर मीटर के, जानते ही हम लोग डेंसिटी का यूनिट जो आता है किलोग्राम पर यूनिट के बराबर आता ही है। तो कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जो है वो इस इंटीग्रेशन से दिया जाता है। अब ये इंटीग्रेट करने के लिए हमें ये लैम्डा सिग्मा और रो क्या होते हैं इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो लैम्डा सिग्मा रो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालने की जो कड़ी है उसको मैं स्टार्ट करता हूं। इसमें मैं आपको रॉड का बताऊंगा, रिंग का बताऊंगा, डिस्क का बताऊंगा, सॉलिड स्फीयर का बताऊंगा, हॉलो स्फीयर का बताऊंगा, कोन का बताऊंगा, बहुत सारे सेंटर ऑफ मास मैं आपको बताऊंगा। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के जो सेंटर ऑफ मास है वो मैं सेंटर ऑफ मास आपको बताऊंगा। कुछ का मैं डेरिवेशन करा दूंगा जो यूज में आते हैं, जो एग्जाम के हिसाब से यूज में नहीं, उनका सिर्फ रिजल्ट बता के छोड़ दूंगा मैं आपको। तो इसमें जैसे कोई एक यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है। अब मान लीजिए कि ये यूनिफॉर्म रॉड कुछ इस तरह से है, हर जगह से एक जैसी है, तो इसका अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है तो एक कॉमन सेंस वाली बात भी आ रही है कि भाई रॉड हर जगह अगर एक जैसी है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो इसके ठीक सेंटर पे आएगा। कॉमन सेंस तो यही कह रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर आएगा, लेकिन निकाल के भी देख लेते हैं। ठीक है, मतलब ये तो बात है कि भाई अगर यूनिफॉर्म है, कहीं से हल्की भारी नहीं है रॉड, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही आना चाहिए, ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन मैं निकाल के बताऊंगा आपको। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये मान लेता हूं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और सेंटर ऑफ मास का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही आएगा क्योंकि रॉड तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, वाई जेड कोऑर्डिनेट तो इसके जीरो ही होंगे। तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले क्या करता हूँ, एक छोटा सा, अच्छा रॉड का मास मैंने एम मान लिया, रॉड की लंबाई एल मान ली, तो एक छोटा सा मैं टुकड़ा ले रहा हूं, बहुत छोटा सा, ये जो मैं छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूं, इस टुकड़े की यहां से दूरी एक्स के बराबर है और इस टुकड़े की अपनी लंबाई डी एक्स के बराबर है। तो इस टुकड़े की अगर लंबाई x के, दूरी x के बराबर है, लंबाई dx के बराबर है, तो इस टुकड़े का जो मास आएगा dm वो आ जाएगा m by l into dx। ये समझ में आया आपको चमका, कैसे किया मैंने, बहुत आसान है। देखिए भाई, l लंबाई का जो मास था वो m था, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा m by l, अगर l लेंथ का मास m था तो यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा m by l, तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा m by l into dx, इसके बराबर जाएगा। तो dm जो आएगा वो m by l into dx के बराबर जाएगा। अब अगर मुझे इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कितना आएगा, x dm अपॉन इंटीग्रल dm, x की वैल्यू आ जाएगी x के बराबर और dm आ जाएगा m by l into dx अपॉन इंटीग्रल m by l into dx आ जाएगा। m by l से m by l चला जाएगा और सॉल्व करने पर ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रल डी एक्स, एम बाई एल से एम बाई एल चला गया एक्स डी एक्स। अब लिमिट लेके जाऊंगा मैं जीरो से एल और इसकी भी लिमिट जीरो से एल, एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट जीरो टू एल अपॉन इंटीग्रल डी एक्स जो है वो एक्स हो जाएगा जीरो टू एल, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन टू एल। एल बाई टू के बराबर जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये एल बाई टू के बराबर आ जाएगा।
XCM is equal to L by 2. तो ये हमने प्रूव कर दिया कि भाई कि कोई भी यूनिफॉर्म रॉड है तो जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो L by 2 पर होगा. इसी से मिलता जुलता मैं एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए कराना चाहूंगा. क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, रॉड है ये, इसका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और रॉड की लंबाई L के बराबर है. ठीक है, क्वेश्चन है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड इज गिवन बाय, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू की एक्स. मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू की एक्स. फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. रॉड का जो मास पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, यूनिट लेंथ का मास जो है वो के एक्स है, यानी जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा यहां से दूर चलते चले जाएंगे रॉड भारी होती जाएगी. ठीक है, तो रॉड का जो मास पर यूनिट लेंथ है वो लैम्डा इज इक्वल टू के एक्स से दिया है. तो फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है ठीक है वो आपको निकालनी है. अब अगर हमें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालनी है तो 2 मिनट का पॉज लेके आप सॉल्व कीजिएगा, फिर आर एस सर का सोल्यूशन देखिएगा. मैं क्या करता हूं, यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूं, इस टुकड़े की जो लंबाई है डीएक्स का सेम वही मेथड, और यहां से दूरी इसकी एक्स मान ली, तो 1 मीटर का मास लैम्डा के बराबर था, तो डीएक्स मीटर का जो मास आएगा डीएम, यह आ जाएगा लैम्डा इंटू डीएक्स या के एक्स डीएक्स आ जाएगा. अगर 1 मीटर का मास लैम्डा के बराबर था तो dx मीटर का मास लेमडा इंटू dx हो जाएगा, और लेमडा की वैल्यू इन्होंने kx दे रखी तो kx dx हो जाएगा. अब अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट आएगा इंटीग्रल x dm अपॉन इंटीग्रल dm, सारी वैल्यूज पुट करता हूं मैं, dm हो जाएगा kx dx अपॉन इंटीग्रल ऑफ kx dx, k कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा और लिमिट हम रख देंगे 0 से L और इसकी भी 0 से L, k कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आके कट जाएगा और x dx का इंटीग्रेशन होगा x square dx है ना, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x cube by 3 लिमिट 0 टू L, और x dx का होगा x square by 2 लिमिट 0 टू L. सॉल्व करेंगे तो ये 2L by 3 आ जाएगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 2L by 3 के बराबर आ जाएगा. जो भी सेंटर ऑफ मास है वो 2L by 3 के बराबर आ जाएगा. सपोज करिए एक यूनिफॉर्म रिंग है, यूनिफॉर्म हाफ रिंग है. देखिए पूरी रिंग होगी तो उसका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही लाई करेगा, ये हमें पता है सिमेट्री से कि अगर रिंग कंप्लीट है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे लाई करेगा. लेकिन अगर मान लिया जाए आधी रिंग है, पूरी नहीं है, आधी है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, ये इसका रिजल्ट मैं डेवलप करने जा रहा हूं. मान लिया आधी रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग है, हम बोले ना बोले यहां जितने भी मैं डेरिवेशन करा रहा हूं वो सब यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है. तो ये आधी रिंग है और इसका रेडियस r के बराबर है, मैंने इसको x एक्सिस मान लिया और इसको मैंने y एक्सिस मान लिया. तो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाएं तो ये वाला जो फिगर है वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है. तो अगर इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है यानी सेंटर मास इसी लाइन पर लाई करेगा, और अगर सेंटर मास इसी लाइन पर लाई करेगा तो इधर और इधर तो होगा नहीं कुछ, तो सेंटर मास इसी लाइन पर लाई करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो आ जाएगा सेंटर मास का. भाई जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको x एक्सिस मान ली, इसको y मान ली, तो सिमेट्री के कारण जैसा इधर है वैसा इधर, सेंटर मास इसी लाइन पे लाई करेगा, y एक्सिस पर लाई करेगा, y एक्सिस का x कोऑर्डिनेट तो जीरो होता ही है. ठीक है, तो कुल मिलाकर x कोऑर्डिनेट नहीं निकालना, हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है. अब इसका सेंटर मास जो हमें निकालना है, तो सेंटर मास की जो डिस्टेंस आती है, वास्तव में जो आती है सेंटर मास की डिस्टेंस, वो 2r अपॉन पाई आती है. अभी हम बताते हैं कैसे आती है. तो जैसे अगर मुझे सेंटर मास निकालना है तो मैं एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं, इसका स्मॉल एलिमेंट,
अच्छा एलिमेंट कैसे लिया जाता है? एलिमेंट लेने का यही है कि भाई एलिमेंट आप ऐसा एलिमेंट लो कि उस जैसे बहुत सारे टुकड़ों को जोड़ो तो वो पूरा ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो जाए। एलिमेंट लेने का बेसिक थीम यही है। तो जैसे इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो एलिमेंट लेंगे हम, कोई एक छोटा सा, मैंने एक छोटा सा आर्क ले लिया, इस जैसे बहुत सारे आर्क को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये पूरी हाफ रिंग बन के तैयार हो जाएगी। तो एलिमेंट लेने का थीम यही होता है कि उस जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को अगर आप जोड़ दें तो पूरी हाफ रिंग बन के तैयार हो जाए, मतलब वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो बन के तैयार हो जाए। तो खैर मैंने ये मान लिया एंगल थीटा है और ये जो छोटा सा मैंने टुकड़ा लिया है ये सेंटर पर डी थीटा एंगल बना रहा है। डी थीटा का मतलब बहुत ही छोटा एंगल बना रहा है। डी थीटा वर्ड यही बताता है ना कि बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत ही स्मॉल, जीरो से जस्ट बाद वाला नंबर है। इतना छोटा होगा डी थीटा कि हमें दिखाई ही नहीं पड़ेगा। लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा तो फिर दिखेगा नहीं तो मैं क्या बताऊंगा आपको, इसलिए थोड़ा सा तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन वास्तव में डी थीटा बहुत स्मॉल होता है। तो अब ये जो डी थीटा है उसका मैं मास निकालने जा रहा हूं। तो अगर देखो भाई तो आर्क लेंथ जो होता है वो एंगल इंटू रेडियस होता है, ठीक है। आर्क लेंथ जो होगा वो एंगल इंटू रेडियस होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, हिंदी वाले बच्चे जो है वो इस तरह से समझ सकते हैं। तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये जो टुकड़ा है, इसकी जो लंबाई आएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी आर डी थीटा। इस टुकड़े की लंबाई हो जाएगी आर डी थीटा और इस जरा से टुकड़े का मास भी जरा सा ही होगा और इसका मास आ जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा, जहां लेमडा मैंने अज्यूम कर लिया है कि यूनिट लेंथ का मास है। यूनिट लेंथ का मास अगर मैं लेमडा मान लूं तो इस जरा से टुकड़े का मास लेमडा इंटू आर डी थीटा होगा। मुझे चाहिए इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट आएगा इंटीग्रल वाई डीएम अपॉन इंटीग्रल डीएम, जहां पर वाई इस डीएम टुकड़े का कोऑर्डिनेट है। ये जो भी मैंने डीएम टुकड़ा लिया है, इस डीएम टुकड़े का कोऑर्डिनेट वाई है। तो अभी ध्यान से देखें, ये रेडियस अगर आर है, ये चीज अगर r के बराबर है तो ये जो y आएगा ये r sin थीटा हो जाएगा। भाई अगर इसको r मैंने माना है तो ये चीज r sin थीटा के बराबर हो जाएगी। तो इस जरा से मास का जो y कोऑर्डिनेट होगा, अगर ये r है तो ये r sin थीटा हो जाएगा। तो y की जगह आ जाएगा r sin थीटा, y की जगह हो जाएगा r sin थीटा और dm की जगह आएगा था लेमडा इंटू आर डी थीटा अपॉन इंटीग्रल लेमडा इंटू आर डी थीटा। इंटीग्रल डीएम था ना, तो डीएम की जगह लेमडा इंटू आर डी थीटा। देखिए एक लेमडा आर से एक लेमडा आर चला जाएगा, एक आर बाहर आ जाएगा। अच्छा लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, जीरो से पाई। भाई हम यहां से टुकड़े को जोड़ना चालू करेंगे, जोड़ते 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 यहां तक आना पड़ेगा ना हमें। तो इसकी जो लिमिट आएगी, थीटा की जो वैल्यू जाएगी, वो जीरो से पाई जाएगी। अभी देखिए काट पीट करके हिसाब बराबर किया जाए, तो इसमें काट पीट अगर हम करेंगे तो लेमडा इंटू आर चला जाएगा, जो बचेगा वो इंटीग्रल साइन थीटा, आर बाहर रहेगा, इंटीग्रल साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा जीरो टू पाई अपॉन लेमडा आर कट ही गया था, इंटीग्रल डी थीटा हो जाएगा थीटा लिमिट जीरो टू पाई। अब यहां पर देखें ये हो गया माइनस आर और कॉस पाई माइनस कॉस जीरो हो जाएगा, ये कॉस पाई माइनस कॉस जीरो अपॉन पाई माइनस जीरो। कॉस पाई माइनस वन होता है और कॉस जीरो वन होता है, तो माइनस वन माइनस टू, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा टू आर अपॉन पाई। तो जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो टू आर अपॉन पाई पर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं आधी रिंग ले लू, यूनिफॉर्म हाफ रिंग ले लू, तो उस यूनिफॉर्म हाफ रिंग का जो सेंटर ऑफ मास आता है वो टू आर अपॉन पाई पे आ जाता है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको समझा भी दे रहा हूं, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, ये तो पूरा डेरिवेशन वाला पार्ट हो गया। मतलब ये है कि अगर रिंग ऐसे है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा और जो सेंटर होगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये वाली दूरी टू आर अपॉन पाई आ जाएगी। इसका सेंटर है, ये सेंटर ऑफ मास होगा, तो रिंग का जो भी सेंटर ऑफ मास होगा, जहां भी होगा सेंटर ऑफ मास और सेंटर के बीच का डिस्टेंस टू आर अपॉन पाई के बराबर आ जाएगा। इसको नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ता हूं मैं। तो अब इसके अंदर हम लोग जैसे सेंटर ऑफ मास हाफ रिंग का हमने देखा, वैसे अब हम लोग सेंटर ऑफ मास देखेंगे हाफ डिस्क का। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हाफ डिस्क, COM ऑफ ए यूनिफॉर्म हाफ डिस्क। एक यूनिफॉर्म हाफ डिस्क है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? तो यूनिफॉर्म हाफ डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो मैं पहले तो आपको रिजल्ट बता देता हूं, फिर डेरिवेशन भी कराऊंगा। अभी ये मान लीजिए कि हाफ डिस्क है, डिस्क और रिंग में फर्क तो सबको पता होगा, ऐसा मैं मान सकता हूं।
डिस्क जो होता है वो पूरा भरा रहता है, रिंग जो है अंदर से खाली रहता है, सिर्फ उसके किनारे किनारे मास होता है। डिस्क का मतलब जैसे खाने वाली प्लेट जो है वो डिस्क हो गई, रिंग का मतलब जो रिंग आपने पहन रखी होती अंदर से खाली होती है वो। तो ये यूनिफॉर्म हाफ डिस्क है, इसका जो सेंटर मास होता है और जो इसका सेंटर होता है इसके बीच की जो दूरी आती है ये आती है 4r/3π। पहले तो आप ये नोट कर ले रिजल्ट, मैं इसका डेरिवेशन भी आपको करा रहा हूँ। डेरिवेशन ऐसे कोई बहुत यूज में नहीं आता है लेकिन थोड़ी डेरिवेशन से फील आ जाती है, मैं ये पता चलता है कि वास्तव में ये सब हुआ कैसे, मतलब किससे कहानी तो नहीं है कि भाई कोई कहानी सुना दी आपको, सच में ये है कि नहीं, ये डेरिवेशन इसीलिए कराया जाता है। तो खैर चलिए मैं डेरिवेशन स्टार्ट करता हूं। डेरिवेशन के लिए मैं अलग फिगर बना रहा हूं। ये डिस्क मानी मैंने, ये एक्स एक्सिस मान ली मैंने, ये वाई मान ली। तो चूंकि इस लाइन के अबाउट ये हाफ डिस्क सिमेट्रिक है तो जैसा इधर है वैसा इधर है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो इसी लाइन पे लाई करेगा, यानी सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, सेंटर ऑफ मास के अंदर सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट आएगा। अब अगर हमें डिस्क का एलिमेंट लेना है तो एलिमेंट लेने का जो बेसिक है, जो उसका मूल सिद्धांत है एलिमेंट लेने का, वो यही है कि उस जैसे बहुत सारे टुकड़ों को जोड़ दो तो वो बन के तैयार हो जाए। तो अब जैसे डिस्क में, अगर डिस्क को मुझे बनाना है तो बहुत सारी छोटी छोटी रिंग्स, मैंने वेरिएबल रेडियस की, थोड़ा रेडियस ज्यादा फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा, ऐसे करके बहुत सारे, जैसे सांप देखा होगा कभी, सपेरा सांप लेके आता है तो उसको सांप को एक बक्से में रखता है, उसमें सांप कुंडली मार के बैठा रहता है, एक छोटी सी रिंग फिर थोड़ी बड़ी हो जाती है, फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी, फिर ऐसे करके पूरा सांप जो है एक डिस्क के फॉर्म में रहता है। थोड़ा सांप की पूंछ से स्टार्ट करो, थोड़ा बड़ा फिर थोड़ा बड़ा फिर थोड़ा बड़ा, ऐसे रिंग बढ़ती जाती है और पूरा सांप एक साथ इकट्ठा देखो तो डिस्क टाइप का लगता है। तो अगर हमें डिस्क का एलिमेंट लेना है तो डिस्क में सबसे जो बढ़िया एलिमेंट होता है वो रिंग होता है। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो हाफ डिस्क मैंने ली है इसका एक एलिमेंट लेता हूं और ये एलिमेंट मैंने एक हाफ रिंग ली। ये जो मैंने हाफ रिंग ली है, इस हाफ रिंग का रेडियस आर है और इस हाफ रिंग की जो मोटाई है वो डी आर है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस डिस्क का जो मास पर यूनिट एरिया है वो सिग्मा है। तो सबसे पहले ये जो मैंने रिंग कंसिडर की है, इस रिंग का मैं एरिया निकालूं, इस रिंग का एरिया निकालना। एक तो रिंग का एरिया तो अभी कभी आपने सुना भी नहीं होगा 11 के बच्चे कि भाई रिंग का एरिया क्या होता है। तो रिंग का एरिया आप ऐसे निकाल सकते हैं कि इस रिंग को जैसे यहां पर है ना, काट के मैंने फैला दिया, मान लो इसी रिंग को मैंने काट के फैला दिया ऐसे। अब काट के फैला दिया तो ये यही जो रिंग थी ये रेक्टेंगल बन गई। इस रेक्टेंगल की लंबाई क्या होगी, पाई आर, और चौड़ाई क्या होगी, डी आर। तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये जो रिंग हमने कंसिडर करी है इसका जो एरिया आएगा वो आ जाएगा लंबाई यानी पाई आर और चौड़ाई इंटू डी आर, ये इस रिंग का एरिया हो गया। अब हम ये जानते हैं कि यूनिट एरिया का मास, मतलब एक मीटर स्क्वायर का जो मास है वो सिग्मा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिफाइन भी किया था, बार बार इसको यूज भी करते हैं लोग। तो हम ये मानते हैं कि यूनिट एरिया का मास सिग्मा के बराबर है, तो इस रिंग का जो एरिया आएगा वो जो आया वो सिग्मा पाई आर डी आर के बराबर हो गया। तो इस रिंग का जो मास आएगा हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर डी आर, ये इस रिंग का मास हो जाएगा। भाई यूनिट एरिया का मास, एक किलो चीनी 50 रुपए की, तो 5 किलो कितने की मिलेगी, 250 रुपए की ना, 50 × 5। तो एक मीटर स्क्वायर का जो मास है, एक मीटर स्क्वायर का जो मास है वो सिग्मा के बराबर है। तो 10 मीटर स्क्वायर का मास कितना होगा, 10 सिग्मा। तो डीए मीटर स्क्वायर का मास होगा डीए इंटू सिग्मा। तो इसका जो मास आ जाएगा वो सिग्मा इंटू इसका एरिया, एरिया है पाई आर डी आर, ये मास हो गया। अब हम लोग ये जो रिंग है ये एक हमारा एलिमेंट हो गया, तो अब हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। रिंग का सेंटर ऑफ मास हम पहले से जानते हैं 2r/π। तो अब मैं अगर इसका सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं, वाई सीएम, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ वाई डीएम अपॉन इंटीग्रल डीएम। यहां पर वाई जो है वो डीएम टुकड़े का सेंटर ऑफ मास है, जो डीएम मैंने टुकड़ा लिया उसका सेंटर ऑफ मास है। हमने तो रिंग लिया है तो रिंग का सेंटर ऑफ मास तो हम जानते हैं 2r/π पर होता है। तो वाई की जगह हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 2r/π, डीएम की जगह सिग्मा इंटू पाई आर डी आर अपॉन सिग्मा इंटू पाई आर डी आर, ये हो जाएगा। अब इसमें r कहां से कहां तक जाएगा, ये रिंग यहां से छोटी सी एक रिंग बनेगी फिर थोड़ी बड़ी फिर थोड़ी बड़ी, तो r 0 से कैपिटल r तक जाएगा। तो ये लिमिट मैं इसकी रखता हूं 0 to R, इसकी भी 0 से R लिमिट रख दी। अब फिर से मैं YCM लिखता हूं, तो YCM अगर मैं लिखूंगा तो आप देखें भाई सिग्मा पाई कट जाएगा, सिग्मा पाई कट गया ठीक है, 2/π बाहर आ जाएगा। यहां से देखिए सिग्मा सिग्मा कॉन्स्टेंट कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो 2/π बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा r स्क्वायर
और नीचे आ जाएगा r, तो ये आ गया 2 अपॉन पाई r स्क्वायर dr अपॉन इंटीग्रल r dr, ये आ जाएगा 0 टू कैपिटल r, ये भी 0 टू कैपिटल r। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा r क्यूब बाई 3 और ये हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया 2 अपॉन पाई इंटू आर क्यूब बाई 3 और ये r स्क्वायर बाई 2। काट पीट करेंगे तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 4r अपॉन 3π, जो y सेम होगा, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4r अपॉन 3π, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट 4r अपॉन 3π के बराबर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, एक और देखिए यहाँ पर डेरिवेशन मैं करना जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई हेमिस्फीयर है, आधा गोला है और शेल है, यानी अंदर से खाली है। हेमिस्फेरिकल शेल का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो कटोरा होता है, कटोरा देखा होगा आप लोगों ने, तो आधे गोले जैसा होता है और अंदर से खाली भी होता है कटोरा, जो जैसे नहीं कटोरा लेके भगवान के नाम पे दे दे अल्लाह के, तो वो कटोरा जो है वो हेमिस्फेरिकल शेल है, आप उस तरह से समझ सकते हैं। तो एक समझिए कि कोई कटोरा है या कोई हेमिस्फेरिकल शेल है और हम उसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं, तो अगर हम उसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाह रहे हैं तो जैसे मान लीजिए कि ये है कटोरा, इस टाइप से होगा, ये आधा हेमिस्फेरिकल शेल है, अंदर से खाली है, हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाह रहे हैं। तो इसमें पहले तो मैं आपको रिजल्ट बताता हूं, फिर डेरिवेशन भी बताऊंगा। काम का डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन सिर्फ फील दिलाने के लिए है और डेरिवेशन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता एग्जाम्स में। तो ये सेंटर ऑफ मास और जो सेंटर है इसके बीच की जो दूरी आती है, यानी कटोरे का सेंटर ऑफ मास और कटोरे के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी r बाई 2 के बराबर आती है। कटोरे का रेडियस अगर मैं r मान लूं या हेमिस्फेरिकल शेल का रेडियस अगर r मान लूं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस जो आती है वो r बाई 2 के बराबर आती है। ठीक है, अब ये कैसे आती है, किस तरह से आती है, ये चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो इसका पूरा बकायदा मैं आपको डेरिवेशन कराने जा रहा हूं, उसका डेरिवेशन करेंगे। इसका मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूं। तो अब कटोरा जो है, एक इस टाइप का जो कटोरा है, इसमें अगर आपको एलिमेंट लेना हो, अंदर तो कुछ है ही नहीं, अंदर तो कुछ है नहीं, तो इसका एलिमेंट, इसके सरफेस पर एक रिंग लेंगे हम। थोड़ा कैसे आप समझ सकते हो, जैसे आलू छीलते हैं कुछ लोग, तो बड़ी बढ़िया आलू छीलते हैं, एक बार छीलना स्टार्ट करते हैं तो शुरू से पूरी की पूरी आलू जो है वो छील के रख देते हैं। कई बार हो सकता है तुमने ट्राई किया हो, आलू छीलने की एक चाकू आती है, तो वो चाकू जो है उससे जब आप आलू छीलना चालू करोगे तो पूरी की पूरी आलू एक साथ भी बहुत बार लोग छील देते हैं। तो यानी जो शेल है, हेमिस्फेरिकल शेल है, उसके सरफेस पर आप एक रिंग ले सकते हो और उस रिंग का आकार बड़ा करते जाओगे, बड़ा करते जाओगे, बड़ा करते जाओगे, तो पूरा का पूरा शेल बन के तैयार हो जाएगा। तो अगर हमें इसके लिए एलिमेंट लेना है तो हम क्या करेंगे, इसके सरफेस पर एक शेल लेंगे। देखिए समझिएगा, ऐसे एक हमने रिंग टाइप की ले ली, एक जो स्फेरिकल शेल था उसके सरफेस पर एक हमने रिंग ले ली और हम ये मानते हैं कि ये रिंग सेंटर पर डी थीटा एंगल बना रही है। डी थीटा एंगल सेंटर पर बना रही है और ये वाला जो एंगल है ये थीटा के बराबर है। हम ऐसा मानते हैं कि ये रिंग जो है सेंटर पर डी थीटा एंगल बना रही है और ये वाली वैल्यू थीटा के बराबर है। तो ये जो लंबाई आएगी ना, जो छोटा सा ये रिंग बन रहा है, इसकी जो लंबाई आएगी वो आर डी थीटा के बराबर आ जाएगी। आर्क लेंथ क्या होता है, एंगल इनटू रेडियस, तो ये एंगल डी थीटा के बराबर है और रेडियस रिंग का आर के बराबर है, तो ये आर डी थीटा के बराबर आ जाएगा। अब ये जो रिंग हमने मानी है, एलिमेंट का हमें मास लिखना है, तो ये जो भी रिंग हमने एज्यूम करी है, इस रिंग का मास कितना होगा, इसका मास निकालने के लिए पहले मैं इस रिंग का एरिया निकाल लेता हूं। तो ये जो मैंने रिंग कंसीडर करी, इसको मैं काट के फैला देता हूं, इसको मैं काट के फैला दूंगा। तो पहली बात तो भाई देखिए, ये जो रिंग है इसका रेडियस जो है वो ये नहीं है, ये तो हेमिस्फीयर का रेडियस है, रिंग का रेडियस ये है। और ये अगर थीटा है ना, ये अगर थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है और ये आर है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ना, ये आर कॉस थीटा आएगी। तो रिंग जो ये मैंने रिंग कंसीडर करी है, इसका जो रेडियस आएगा वो आर कॉस थीटा आएगा और पूरी रिंग की जो लंबाई होती है, रिंग का जो सरकमफेरेंस होता है वो 2πr होता है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2πr, r की जगह r cos थीटा आएगा।
ये अगर आर है तो इस रिंग का जो रेडियस होगा वो तो आर कॉस थीटा होगा ना, रिंग का रेडियस ये है, तो ये अगर टोटल आर है तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये इसकी लंबाई हो गई और इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी हो गई, आर डी थीटा। तो अब इस रिंग का एरिया कितना आ जाएगा, इस रिंग का एरिया हमें निकालना है। तो एरिया होता है जो होता है रेक्टेंगल का लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये जो रेक्टेंगल है इसकी लंबाई हो गई है 2πr cos थीटा और चौड़ाई हो गई है r d थीटा, ये इसका एरिया आ जाएगा। और अगर मैं इस रिंग का जो मैंने रिंग कंसिडर की है इसका मास निकालना चाहूं तो मास बराबर जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, मास पर यूनिट एरिया इंटू इसका एरिया, ये हो जाएगा। अब उसके बाद इसका मास पर यूनिट एरिया सिग्मा हो जाएगा और इसका एरिया डीए के बराबर होगा, तो ये जाएगा 2πr cos थीटा इंटू आर डी थीटा, ठीक है। अब ये इसका एरिया हो गया और इसका मास आ जाएगा सिग्मा इंटू मतलब चार्ज पर सॉरी चार्ज वाले चैप्टर में चला गया, सिग्मा जो था मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, ये इस रिंग का मास हो जाएगा। अब इस रिंग का मास हो जाएगा, अब हम अगर इसका सेंटर ऑफ मास लिखना चाह रहे हैं तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा, अच्छा ये भी आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर होगा कहीं ना कहीं, हाँ, क्योंकि सिमेट्री के कारण जैसा राइट में है वैसा ही लेफ्ट में है, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर होगा, इसी लाइन पर होगा। तो जो वाई सी एम आएगा ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम, रिंग का सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है। अच्छा ध्यान से देखिए, ये जो रिंग है, ये जो रिंग है उसका सेंटर यहां पर आ रहा है, तो अब वाई कोऑर्डिनेट इसके, ये जो रिंग है इसके सेंटर ऑफ मास यहां पर आ रहा है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट आएगा आर साइन थीटा। भाई ये वाई क्या है, इस डीएम का सेंटर ऑफ मास है, जो भी डीएम टुकड़ा लिया उसका सेंटर ऑफ मास वाई है। तो डीएम टुकड़ा जो मैंने लिया था तो रिंग थी, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां पर आ रहा है, तो ये दूरी आ जाएगी आर साइन थीटा। अगर ये आर है तो ये आर साइन थीटा हो जाएगा, तो वाई की जगह हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा, डीएम की जगह लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डीए, और डीए हम पहले निकाल चुके हैं 2πr cos थीटा इंटू आर डी थीटा अपॉन इंटीग्रल डीएम, फिर से होगा इंटर इंटीग्रल डीएम हो जाएगा सिग्मा इंटू डीए, और डीए की जगह आएगा 2πr cos थीटा इंटू आर डी थीटा, ये आ गया। बड़ा सा टर्म बनता है, रिजल्ट बड़ा छोटा सा आता है आर बाई टू, लेकिन टर्म देखिए कितना बड़ा बन गया। तो खैर अब इसमें बहुत सारी चीजें कटने वाली हैं, जो जो कांस्टेंट है ऊपर नीचे में काट दूंगा, तो सिग्मा से सिग्मा चला जाएगा, 2πi से 2πi चला जाएगा, कैपिटल आर से कैपिटल आर चला जाएगा, ये वाली कैपिटल आर से ये वाला कैपिटल आर भी चला जाएगा। बचेगा अपने पास यहां पर एक आर बचेगा, तो ये एक आर बच जाएगा और ये अंदर आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, टू भी चला गया था ना, टू पाई ये टू भी चला जाएगा, तो एक आर बचेगा, अंदर बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो साइन थीटा कॉस थीटा के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे दो से डिवाइड करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करेंगे, और टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा हो जाएगा, तो ये बराबर जाएगा आर बाई टू इंटीग्रल ऑफ साइन टू थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा थीटा की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, थीटा की लिमिट जाएगी यहां से चालू करेंगे हम और पाई बाई टू तक जाएगी, भाई यहां से ये सबसे बड़ी रिंग होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, हाईएस्ट पॉइंट तक जाते जाते रिंग खत्म हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू जाएगी जीरो से पाई बाई टू, ये भी जीरो से पाई बाई टू, ठीक है। और फर्दर सॉल्व करें हम, तो ये आर बाई टू हो गया, साइन के एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, जैसे डिफरेंशिएशन में जैसे साइन के एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो के से मल्टीप्लाई कर दोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो डिवाइड कर दोगे, तो ये साइन टू एक्स है, तो वन बाई टू से हम डिवाइड कर देंगे, आर बाई टू तो पहले ही था, वन बाई टू से डिवाइड करेंगे और साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस कॉस टू थीटा, लिमिट जीरो टू पाई बाई टू, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन सिंपल साइन थीटा होगा, लिमिट जीरो टू पाई बाई टू। ये फर्दर लिखूंगा मैं आर बाई टू, साइन पाई बाई टू माइनस साइन जीरो वन ही हो जाएगा, और एक एक वन बाई टू यहां पर और है माइनस साइन के साथ, एक वन बाई टू और है, और ये हो जाएगा कॉस टू इंटू पाई बाई टू, टू से टू कट जाएगा, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, कॉस पाई जो है
वो माइनस वन होगा, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, माइनस माइनस प्लस टू से टू कट जाएगा और ये कट पिट के अल्टीमेटली क्या जाएगा आर बाई टू के बराबर जाएगा। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं आपको। अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर के बीच की दूरी आर बाई टू होती है, ये एक बात आ गई। दूसरी बात यह कि अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मुझे एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो मैंने इसके सरफेस पे एक रिंग कंसिडर कर ली। ये जो रिंग है उसका रेडियस ये है आर कॉस थीटा, इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो आर साइन थीटा पे है। इस रिंग को अगर मैं काट के फैला दूं तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, उस रेक्टेंगल की जो लंबाई होती है वो टू पाई आर होती है, लेकिन इसका रेडियस आर कॉस थीटा था और चौड़ाई आर डी थीटा होगी। ये इस रिंग का एरिया आ गया, मास बराबर होता है मास प्रेजेंट एरिया इंटू एरिया, तो ये मास आ गया। अब सेंटर ऑफ मास की जो डेफिनेशन थी उसके हिसाब से इंटीग्रल वाई डीएम अपॉन इंटीग्रल डीएम, वाई जो है वो डीएम का सेंटर ऑफ मास था, तो डीएम का सेंटर ऑफ मास आर साइन थीटा है, डीएम की वैल्यू वहां से मैंने निकाल रखी थी, बाकी गणित है इसका, बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करने पर यह आर बाई टू के बराबर आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि कोई आधा गोला है, अगर हम स्फीयर बोलते हैं तो इसका मतलब सॉलिड होगा, अगर हॉलो बोलना होगा तो हॉलो बोलेगा, अगर सिर्फ स्फीयर बोला है उसका मतलब वो सॉलिड होगा। तो एक मान लेते हैं कि हेमिस्फीयर है, ठीक है, और उसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है, तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे पहले तो मैं उसका फार्मूला ही बता देता हूं आपको। आधा गोला है, सॉलिड गोला है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आता है उसकी जो डिस्टेंस आती है सेंटर ऑफ मास और सेंटर के बीच की जो दूरी आती है वो 3r बाई 8 के बराबर आती है। ठीक है, ये डिस्टेंस आती है 3r, सेंटर ऑफ मास और सेंटर के बीच की दूरी 3r बाई 8 आती है। कैसे आती है मैं इसका डेरिवेशन भी करा दे रहा हूं। तो अगर मैं इसके डेरिवेशन पर जाऊं तो जैसे मान लो कि ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, एकदम सॉलिड है, डेरिवेशन करने के लिए मुझे एलिमेंट लेना पड़ेगा, इसमें सबसे बढ़िया एलिमेंट क्या होगा बताएं, सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड हेमिस्फीयर का जो एलिमेंट होगा वो हॉलो हेमिस्फीयर होगा। जैसे प्याज होती है सॉलिड स्फीयर है, छीलते जाओ तो उसमें बहुत सारे आपको हॉलो मतलब हॉलो स्फीयर मिलते जाएंगे, उसके अंदर प्याज जो कवरिंग होती है वो वेरिएबल रेडियस के हॉलो हेमिस्फीयर मान सकते, हॉलो स्फीयर मान सकते हैं हम लोग। तो उसी तरह से जैसे ये सॉलिड स्फीयर है तो इसके अंदर जब हम एलिमेंट लेंगे ना तो इसमें एलिमेंट हम लोग एक हॉलो हेमिस्फीयर लेंगे इस टाइप से। ये हॉलो हेमिस्फीयर मैंने इसका एलिमेंट ले लिया और ये जो मैंने एलिमेंट लिया है इस एलिमेंट का रेडियस मैं आर मान लेता हूं, इस एलिमेंट का रेडियस आर मान लेता हूं और ये जो मैंने हॉलो हेमिस्फीयर लिया है इसकी मोटाई मैं डी आर मान लेता हूं। तो अब ये जो हॉलो हेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्योंकि हमें अगर मास निकालना है तो मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमें करना पड़ेगा, तो हमें पहले इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, किसी भी स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अगर उसका आधा हिस्सा लेंगे यानी उसका हेमिस्फीयर लेंगे तो उसका एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैं तो ऐसा कर रहा हूं ना कि ये जो हेमिस्फीयर है, ये जो आधा गोला है, ये टी आर जिसकी मोटाई है, इसका इसको काट के मैं फैला दे रहा हूं, तो इसको काट के मैं फैला दूंगा तो सरफेस पर जो एरिया बनेगा, जो भी एरिया बनेगा वो कितना बनेगा, ये एरिया बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया होगा। और इसकी जो मोटाई थी, इसकी जो मोटाई थी यानी जो इसकी जो मोटाई थी वो डी आर थी। तो जैसे किसी भी चीज का हमको वॉल्यूम निकालना होता है तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट, तो बेस एरिया 2 पाई आर हो गया और इसकी जो हाइट होगी वो डी आर होगी, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा, इसकी हाइट मतलब ऊंचाई जो होगी, अगर इसी को काट के जमीन पे बिछा दो तो जो मोटाई होगी वो डी आर हो जाएगी और एरिया हो जाएगा टोटल का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा, ये जो मैंने शेल लिया हुआ है इसका वॉल्यूम आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो इसका जो मास आएगा, मास बराबर होता है मास पर यूनिट एरिया इंटू वॉल्यूम, तो मास आ जाएगा रो इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये इसका मास आ जाएगा। ठीक है, ये मास आ गया। अब उसके बाद हम लोग अगर इसका वॉल्यूम निकालना चाहें या इसके सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो वाई कोऑर्डिनेट जो आएगा सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा क्योंकि एक्स तो जीरो होगा, तो ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ वाई डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम, ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ वाई डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम। अब ये जो मैंने हेमिस्फेरिकल शेल लिया था,
हेमिस्फेरिकल शेल का जो सेंटर ऑफ मास होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रूव किया था, आर बाई टू पे आता है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ आर बाई टू, और डीएम हो जाएगा रो इंटू टू पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन रो इंटू टू पाई आर स्क्वायर डी आर, यह आ जाएगा। अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, रो से रो जाएगा ना, टू से टू जाएगा, पाई से पाई जाएगा, ये वन बाई टू बाहर आ जाएगा, मैं लिखता हूं तो वाई सी एम जो आएगा उसमें ये वन बाई टू तो बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा आर क्यूब, वन बाई टू बाहर आ गया, अंदर हो गया आर क्यूब डी आर लिमिट जीरो टू कैपिटल आर अपॉन आर स्क्वायर डी आर लिमिट जीरो से कैपिटल आर, यह आ जाएगा। अब इसमें आर क्यूब का जो इंटीग्रेशन होगा आर टू दी पावर फोर अपॉन फोर हो जाएगा, हो गया वन बाई टू आर टू दी पावर फोर अपॉन फोर, आर स्क्वायर का होगा आर क्यूब बाई थ्री, ये हो जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करूंगा मैं तो ये बना हो जाएगा थ्री आर बाई एट। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर और सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी थ्री आर बाई एट के बराबर हो जाएगी। पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। अब इसके बाद क्या है कि ये तो स्टैंडर्ड है जो हमें याद रहने चाहिए, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे कोन है कोई, उसका सेंटर ऑफ मास हॉलो कोन हो गया या सॉलिड कोन हो गया, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी सिखा देता हूं मैं आपको। लिखता हूं मैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हॉलो कोन, यूनिफॉर्म तो है ही, जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए सबके अंदर बॉडी यूनिफॉर्म है, तो अगर कोई हॉलो कोन है ठीक है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, मैं बता दे रहा हूं आपको, ये सपोज करिए एक हॉलो कोन है, खोखला कोन है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है अगर ये ऊंचाई h के बराबर है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये h बाई थ्री पर आता है अगर हॉलो कोन है। हॉलो कोन का मतलब आइसक्रीम का कप जिसमें आइसक्रीम नहीं भरी हुई है, या ये चना जोर गरम जो देते हैं वो एक कोन ऐसे पेपर मोड़ के उसका कोन बना देते हैं उसके अंदर वो डाल के देते हैं, तो हॉलो कोन का मतलब अंदर से अगर खाली है तो उसका जो सेंटर है और जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर हो गया ये सेंटर ऑफ मास हो गया, इनके बीच की दूरी ऊंचाई की वन थर्ड होगी। ठीक है, मैं डेरिवेशन इसका नहीं करा रहा हूं। और उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड कोन, सॉलिड कोन है उसका सेंटर ऑफ मास, तो अगर मैं सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहूं तो उसका भी फार्मूला अपने पास है। सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास होता है और जो सॉलिड कोन का सेंटर होता है उनके बीच की जो दूरी आती है ये दूरी आती है h बाई फोर। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड कोन जो है उनके बीच की जो दूरी आती है वो h बाई फोर के बराबर आ जाती है, तो h बाई फोर के बराबर ये डिस्टेंस आ जाती है।